राठौर को एल्विश यादव का धुरु राठी के रोस्ट पर फाइनली केआरके ने किया एल्विश को पोक। एल्विश यादव ने दिया मुंह तोड़ जवाब। तो इस वीडियो को खींचे मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। देख तमाशा टीवी का मनीषा रानी फुकरा इंसान और ध्रुव राठी के बाद अब एल्विश यादव वर्सेस केआरके होने वाला है। और बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 शुरू होने से पहले जैसा कि आपको पता होगा केआरके वो इंसान है जो सभी के फटे में टांग डालता है, जो सभी को पोक करने के लिए जाना जाता है और यही वो बड़ी वजह कि केआरके को कोई भी सीरियस नहीं लेता है। एल्विश यादव ने कल एक बात कहा था अपने फैंस से कि वो ध्रुव को रोस्ट करने वाले और उनके पास बहुत सारे प्रूफ हैं। अब इस प्रूफ को लेकर अब जैसे ही एल्विश यादव का बयान आया कि वो ध्रुव को बहुत ही धमाकेदार रिप्लाई देने वाले हैं, उसके बाद केआरके एल्विश और ध्रुव के बीच में कूदे और ट्वीट करके लिखा, अब एक क्रिमिनल अनपढ़ गवार लुखे, तेरा नाम फेक है, यू विल मेक अ वीडियो अबाउट एजुकेट पीपल, चल भाग साले लुक्खे। एल्विश यादव को टेक करके कहा, भाई जर्मनी में तेरे जैसे नल्लों को वीज़ा नहीं मिलता है। जिसके बाद एल्विश यादव ने रिप्लाई दिया है और सीवेज रिप्लाई दिया है। एल्विश यादव ने कहा, कमिंग सून टू लंडन, सोचा याद दिला दूँ केआरके को। ये बहुत ही तगड़ा रिप्लाई था एल्विश यादव का। हालाँकि मैं आपको बता दूँ, एल्विश और ध्रुव की ये कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है और केआरके सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए एल्विश यादव का नाम यूज़ करके हाइप के लिए वो एल्विश को पोक कर रहे हैं और एल्विश ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये पहली बार नहीं है केआरके, इसके पहले सलमान खान, शाहरुख खान बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी को भी पोक कर चुके हैं। फिलहाल आप बताना कमेंट बॉक्स में एल्विश यादव के इस जवाब पर आपका क्या है ओपिनियन। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।